हे हेलो एवरीबॉडी, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइज, ऑन डेली बेसिस आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि सर मुझे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना सिखा दो यार। भाई फॉरेक्स में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, रेगुलेशन किसके पास है, विड्रॉ एंड डिपॉजिट मेथड्स किसके सबसे आसान है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूजर इंटरफेस किसका अच्छा है। ये सारे क्वेश्चंस मुझे रोज मिलते हैं और सोचा यार आज इसके ऊपर वीडियो बना ही देता हूं। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं लॉग इन हूं xm.com के साथ। सो गाइज, यहां पे आप अभी मेरा लाइव अकाउंट देख पा रहे हैं जिसमें बैलेंस है 368.35 USD यानी US डॉलर। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहां पे रिफ्रेश हो गया है पेज और कोई छल नहीं है भाई, रियल है, रियल में इन्वेस्टेड है। तो यहां पे इस वेबसाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, रेगुलेशंस के लाइसेंस नंबर से हम चेक करने वाले हैं रियल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, क्या ये रियल में रजिस्टर्ड है, क्या इनके पास रेगुलेशंस हैं, और इनकी सर्विसेज क्या क्या है, इनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, बोनसेस प्रोग्राम एंड और बहुत सारी चीजें, हम इनके साथ रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और अगर आप इनके साथ रजिस्टर करते हैं तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर फॉरेक्स में सिग्नल दिया करो, तो भाई मैंने सोचा यार आपकी ये जो ख्वाहिश है ये पूरी कर ही देते हैं और हम फाइंडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पे मैं फॉरेक्स में सिग्नल दे सकूं, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था और आई बिलीव कि XM अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहां पे फॉरेक्स में सिग्नल देना अच्छा रहेगा मुझे लगता है। तो करना क्या है, पूरी वीडियो जरूर देखनी है, नहीं तो पछताओगे भाई, भाई सोचोगे कि काश ये वीडियो पूरी देख ली होती, क्योंकि फॉरेक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। लाइक पहले कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो बता देता हूं लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं, अभी ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर दो फर्स्ट टाइम हो चैनल के ऊपर, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चले गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलेशंस की। जब वेबसाइट के रेगुलेशन पेज पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है, टाइम आपका ना वेस्ट हो इसके लिए पहले ही मैंने ये पेज ओपन कर रखा है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे तीन अलग अलग कंट्री से वेबसाइट रेगुलेटेड बताई जा रही है। पहली कंट्री की बात करते हैं बेलीज, दूसरी की बात करते हैं साइप्रस, और तीसरी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। शायद आपने दो का नाम नहीं सुना होगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये लोग दावा करते हैं कि भाई यहां से वेबसाइट आपकी रेगुलेटेड है इन कंट्रीज से। तो चलिए यार इन कंट्रीज की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके इनके लाइसेंस नंबर से चेक करते हैं क्या वेबसाइट रेगुलेटेड है। तो मैंने आपका टाइम ना वेस्ट हो सीधा मैं गया साइप्रस की वेबसाइट पे, जो अगर आप लिंक देखेंगे आप देख सकते हैं government., ठीक है। तो यहां पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके लाइसेंस नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया और इनका लाइसेंस नंबर सर्च किया तो यहां पे देखेंगे इनके लाइसेंस नंबर सर्च करने के बाद सीधा मेरे पास लाइसेंस डेट, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और अप्रूव्ड डोमेन्स आ जाते हैं जहां पर लिखा है www.xm.com। इसका मतलब भाई साइप्रस से ये वेबसाइट रियल में रजिस्टर्ड है। सेम मैंने किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन पे मैं जाके मैंने इनके लाइसेंस नंबर से जब चेक किया मुझे कुछ इस तरीके का डेटा मिलता है, ये जो वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, अदरवाइज यहां पे कोई भी डेटा आपको नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज से मैंने जब चेक किया तो ये वेबसाइट रेगुलेटेड मिले। तो यहां पे इस वेबसाइट को मिलेंगे पूरे में से पूरे नंबर, और फिलहाल मैंने बेलीज की ऑफिशियल वेबसाइट से इनका लाइसेंस नंबर चेक नहीं किया है, बट मैं श्योर हूं वहां पर भी ये वेबसाइट रेगुलेटेड ही होगी। अब बात करते हैं यहां पर कि आपको अकाउंट कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो भैया ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके पास खुल के आएगा जो कि रियल अकाउंट होगा। और इस लिंक से क्लिक करने पे आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको बता देता हूं। इन फ्यूचर अगर आपको फॉरेक्स से रिगार्डिंग कोई भी सिग्नल चाहिए तो आपको फ्री में मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे। दूसरी चीज, अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो इस लिंक से आपको मिलेगा, मतलब अगर आप इस लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है एक्स्ट्रा से रिगार्डिंग तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हो कि यू आर फ्रॉम टेक्निकल अवी यूट्यूब चैनल, और आपको सारी सहायता डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है।
तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो रियल अकाउंट रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ छोटा सा फॉर्म मिलेगा और इसके बारे में आपको समझा देता हूं। यहां पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री रेजिस्टेंस और यहां पे आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज, ईमेल, फोन, ये थोड़ी सी चीजें यहां पे डालनी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे मेन इंफॉर्मेशन आती है। यहां पे आपको दो टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, अकाउंट मिल जाते हैं, MT4 और MT5 ओपन करने के लिए। आप जो चाहें उसके साथ जा सकते हैं। मैंने फिलहाल MT5 चूज किया है, आप चाहें तो MT4 जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसे भी चूज कर सकते हैं। नीचे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस वेबसाइट का, वो आता है अकाउंट टाइप। ये जो वेबसाइट है काफी सारे टाइप्स आपको प्रोवाइड करती है, जहां पे स्टैंडर्ड अकाउंट आपको मिल जाता है, माइक्रो, XM अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड और XM अल्ट्रा लो माइक्रो, और लास्ट में आपको जो मिलता है वो मिलता है शेयर्स अकाउंट। अब हर एक अकाउंट के बारे में, यानी आपको कौन सा अकाउंट चुनना है उसके बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। सो गाइस यहां पे आप देखेंगे आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने सारी टैब्स पहले ही ओपन कर रखी हैं। अब देखेंगे अकाउंट टाइप्स, ठीक है, आपके पास बेसिकली यहां पे चार टाइप के मेनली अकाउंट मिल जाते हैं, जहां पे आपके पास एक अकाउंट होता है मैक्रो अकाउंट यानी माइक्रो अकाउंट, जहां पे आपको सारे अकाउंट्स के देखिए एडवांटेज मैं बता देता हूं कि क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे बड़ा जो यहां पे डिफरेंस आता है वो आता है लॉट साइज में, ठीक है। जिनको नहीं पता लॉट साइज क्या है वो प्रीवियस वीडियोस मेरी चेक कर सकते हैं, और क्योंकि यहां पे इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता, और आने वाली वीडियोस के लिए आप कनेक्ट रह सकते हैं मुझसे, क्योंकि XM के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इनके लॉयल्टी प्रोग्राम, बोनस प्रोग्राम और बहुत सारे इनके जो प्रोग्राम्स हैं, कैसे आप उनका अच्छे से बेनिफिट ले सकते हो, तो उनके बारे में मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो अभी कनेक्ट हो जाओ अगर आप नहीं कनेक्ट हुए हो, और इन फ्यूचर स्टे ट्यून विद अवर चैनल। यहां पे अगर आप देखेंगे माइक्रो अकाउंट में, तो यहां पे आपको एक लॉट साइज का 1000 मिल जाता है। अगर आप जाते हैं स्टैंडर्ड में तो यहां पे एक लॉट साइज पे आपको 100,000 मिलेगा, और अगर आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट यानी XM अल्ट्रा लो अकाउंट पे, तो यहां पे दो तरीके के होते हैं भाई, एक स्टैंडर्ड अल्ट्रा लो होता है और एक मैक्रो होता है। स्टैंडर्ड में आपको सेम मिलेगा यानी 1,00,000 यानी 100,000। माइक्रो में अगर आप जाते हो तो यहां पे एक लॉट साइज पे आपको 1,000 मिलने वाला है, और अगर आप जाते हो शेयर अकाउंट पे तो यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। शेयर्स पे क्या होता है ना, आपको लॉट साइज नहीं होता, आपको परसेंटेज डिवाइडेड होता है, पर आपको एक शेयर पे प्रॉफिट मिलता है, मतलब ठीक है अभी आपको नीचे समझ आएगा। तो यहां पे अगर लेवरेज की बात करते हैं तो यहां पे देखेंगे आप लेवरेज ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर आप जाते हैं शेयर्स वाले पे तो यहां पे आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। अब आते हैं थोड़ा सा और एडवांटेज पे, तो यहां पे आपको किसी भी अकाउंट में कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन शेयर्स वाले अकाउंट में आपको कमीशन मिलता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि यहां पे आपको मिनिमम $10,000 इन्वेस्ट करने होते हैं, जो कि यूजर्स करते नहीं है। तो इस वाले अकाउंट को अभी छोड़ ही दो, शेयर्स वाले को, हम तीन के बारे में डिस्कस करते हैं मेजरली। तो अगर यहां पे देखोगे आपको मिनिमम डिपॉजिट की बात करते हैं तो $5 है मैक्रो में, उसके बाद अगर हम आते हैं स्टैंडर्ड में तो यहां पे आपको मिलता है 5, और अगर आप मिनिमम डिपॉजिट की बात करते हैं XM अल्ट्रा लो अकाउंट में तो यहां पे आपको मिल जाता है $50 डिपॉजिट का ऑप्शन। और शेयर्स की तो बात ही मत करो भैया, $10,000 है, अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन फायदे तो आपको मिल जाते हैं लेकिन फिर भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो गाइस इन द एंड अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस की, तो यहां पे इनके बोनस प्रोग्राम्स भी हैं और यहां पे इनके एनिवर्सरी प्रमोशंस प्रोग्राम भी होते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम भी होते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। बोनस प्रोग्राम का मतलब आपको यहां पर बोनस मिलता है, 10 ईयर एनिवर्सरी प्रमोशन, यहां पे आपको प्राइज मनी मिलता है, भाई कॉम्पिटिशन है, पार्ट लो प्राइज जीतो, और लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको। तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्टे ट्यून रहो चैनल के साथ, और आपको बता दिया है लिंक से ज्वाइन हो जाओ, जैसा कि आपको पता है सेकंड स्टेप जो है उसमें आपको छोटा सा वेरिफिकेशन है, दैट्स इट, आपके ईमेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड है वहां पे आपको आ जाएगा एक मेल, और उस मेल में आपको मिल जाएगा आईडी और पासवर्ड XM के, और वो आप लॉगिन कर सकते हो XM.com पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर आप फॉरेक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रेड लेना चाहते हो, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पे आप ट्रेड ले सको और मैं सजेस्ट कर सकूं। अगर पूरे गांव की बात करते हैं ना भाई, तो गांव में कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है अलग है, ठीक है, इंटरेक्टिव यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।